प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिमाचल के शिमला से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 5 राज्यों की योजना के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान निधि के 11वीं किस्त का 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 21,000 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया, जिसका सीधा प्रसारण एनएक्सी भवन के सभागार में किया गया। वहीं नागरिकों को वर्चुअल संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गरीबों की भलाई के काम कर प्रधानमंत्री ने गैर बराबरी समाप्त की। मोदी के प्रयासों से 8 वर्षों में आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आया है, जिससे किसानों का भी कल्याण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अनूठा सार्वजनिक कार्यक्रम देश भर में राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन की अवधारणा देश भर में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जनता के साथ सीधे बातचीत करना है। आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा, खाद्य एवं उपभोक्ता, सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल के आतिथ्य में सम्मेलन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किसान वैज्ञानिक उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि एक समय था जब वैश्विक स्तर पर भारत की उपस्थिति को मान्यता नहीं मिलती थी, लेकिन आज मोदी के साथ देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत है। उस ताकत को मोदी ने विश्व के राजनीतिक मंच पर इस तरह से प्रत्यायोजित किया कि दुनिया का कोई भी राजनीतिक मंच भारत की अनदेखी या उपेक्षा नहीं कर सकता है। हम सब निश्चित रूप से उनकी 8 साल की यात्रा पर गर्व व गौरव का अनुभव कर सकते हैं। जहां तक गांव गरीब किसान का सवाल है, तो सभी भली भांति जानते हैं कि सरकार हमेशा इसी तबके के लिए समर्पित रही है। गांव में एक जमाना था जब अधोसंरचना की बहुत आवश्यकता थी। एक से दूसरे गांव जाने के लिए हफ्ते हफ्ते का समय लगता था। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई। वो काम पूरा नहीं कर पाए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसी काम को तेजी से आगे बढ़ाया और गांव में लाखों लाख संख्या में सड़कें बनाई गई हैं। हर बड़े स्थान में गाँवों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल सड़कों पर बजट 15,000 करोड़ रुपए का था और इस बार गांवों की सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ने 19,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वहीं लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर एनएक्सी भवन में सदर सांसद रवि किशन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह एवं सदर सांसद रवि किशन ने कहा, बड़ी संख्या में बैंक यहाँ पर स्थापित नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जब हम लोगों ने कोरोना काल निपट है प्रदेश में बीसी सखी की चयन की प्रक्रिया को आपने बढ़ाया था, तो सबके मन में संशय था कि क्या मैंने ये काम कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से महिलाओं के कार्य के भी प्रश्न खड़े होंगे, उन सभी प्रश्नों को जवाब अपनी मेहनत से आप लोगों ने करके दिखाया है। और आप जैसे लगभग 56,000 से बीसी सदी से जुड़ी पहले अपना योगदान दे रहे हैं प्रदेश में बैंक की सुविधा हर घर तक पहुँचाने के लिए, प्रधानमंत्री जी ने यही सब उसका हम तो लोग हो सकते हैं, मैं आपको पढ़ा लेता हूँ, आप पढ़ने
बेटी के जन्म लेने के साथ ही जैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा उसके नाम पर होना चाहिए धनवा पाल का सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दे दीजिए सभी संवाद का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रति लाभार्थी बाबू जगन जी ने आपके कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, आपका कार्यक्रम से अभिनंदन करता हूँ। अब तक को और आपकी बात
Thank you.
सहभागिता भी आपको सरकार की इसी योजनाओं का लाभ मिला। अभी एक आपको अच्छा लगा, आपने इतना संतोष व्यक्त किया। Thank you.
अभी मेरी नर्म हो रही है, मेरे लिए वो देवभूमि है, मेरे लिए वो पुण्य है। वहाँ पर मुझे अद्वैत वासियों को इस देवभूमि से बात करने का मौका मिला। ये अपने आप है मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला था। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर काम करने का मुझे आप सबने अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला सभी भारतीयों का जो कि सुनाम मुझे मिला। अब आज मैं कुछ कह पाता हूँ, दुनिया दौड़ पाता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 15 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों को आज वर्चुअल संवाद किया गया है, और गोरखपुर में पीएम किसान निधि में 5,24,000 जो हमारे किसान हैं उसमें जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किस्त ट्रांसफ़र की गई है उसका लाभ मिला है। इसके साथ जो हमारे समूह हैं, हमारे समूह में 648 समूह हैं, और जिसमें जो है 15,000 के हिसाब से जो आरएफ का फंड है वो ट्रांसफ़र किया गया, और ये पूरा वर्चुअल संवाद 9:45 से लेकर अभी तक जो कंप्लीट हुआ है, जिसमें सारे लाभार्थियों ने उसको सुना है और इसको जिस तरह के निर्देश थे उस तरह से पूर्ण कराया गया है। इसके साथ साथ हर ब्लॉक में हमारे भी ये इसका लाइव प्रचारण हुआ है कि जो हमारे KVKs है कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पे भी इसका लाइव प्रसारण हुआ है। हर केंद्र पे 500 से ज़्यादा लाभार्थियों ने इसको सुना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो तेज है, जो शक्ति है और जो उनका क्रेज है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसके बारे में जानना गोरखपुर की न्यूज़ द्वारा मैं सबको बताना चाहूँगा। मैं गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ल, मेरे गोरखपुर में आज प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम चल रहा है और गरीब कल्याण योजना है, उसके द्वारा मैं आज लाभार्थियों से यहाँ पर बात हो रहा है, और आपके भी जितने दर्शक गण मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो जानना उनको ज़रूरी कि प्रधानमंत्री किसान निधि से अभी तक 5,84,000 लोगों को लाभार्थी हुए, फायदा हुआ। प्रधानमंत्री स्वनिधि से 17,000, सबसे बड़ा लाभ जो आप लोग जानना चाहिए, और अगर आप लोग नहीं ले रहे हैं तो आप लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कृपया हाथ जोड़ के एक सांसद के रूप में निवेदन है मेरा कि आयुष्मान भारत का कार्ड आप लोग ज़रूर बनवाएं। आप लोग नहीं बनवा रहे, आप लोग इसकी महत्वता नहीं समझ रहे। 5,00,000 रुपये का इलाज मुफ्त आपका होता है, 5,00,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, और अभी तक खाली गोरखपुर में 78 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री दे चुके हैं और 68,000 लोगों का इलाज हो चुका है। तो ये तो आप लोग तुरंत करवाइए, मकान मिल रहा है, घर में नल जल से आ रहा है, गैस कनेक्शन हो गया, चूल्हा हो गया, उसके आंकड़े मैं गिनवाऊंगा तो बहुत बड़े आंकड़े हैं गोरखपुर। ये आंकड़े हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं लाभार्थियों, तो मैं चाहूँगा, लेकिन आप लोग आयुष्मान, मेरा जो जोर है आयुष्मान भैया हो, आयुष्मान भारत का कार्ड ले लिया, 5,00,000 रुपये का आपको पूरा लाभ मिलता है। बाकी मकान जिक्रे पास नहीं, पा हमसे संपर्क करा, जोन बीचर जो जो सुविधाएं हैं प्रधानमंत्री जी की, आप लोग मेरे कार्यालय से आके ज़रूर लें, उसको जानकारी लें और उसका आप लोग लाभ लें। मैं चाहूँगा आप लोग लाभ लें, आप लोग लाभ लें, लाभार्थी बने। हाँ, वो भी आज और वो बहुत बड़ी रकम है। प्रधानमंत्री किसान निधि से 5,24,000 लोग लाभार्थी रहे गोरखपुर में,
तो आज तो बहुत मतलब ये सौगात है, 8 साल बेमिसाल हुए हैं, उसी को वो बता रहे हैं।